श्री नित्यानंद प्रभु की जय। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान, ताहार द्वितीय देह श्री बलराम। समस्त अवतारों के स्रोत भगवान श्री कृष्ण जब अपना विस्तार करते हैं तो उनका पहला विस्तार है श्री बलराम जी। और आगे कविराज गोस्वामी कहते हैं, सेई कृष्ण नवद्वीपे श्री चैतन्य चंद्र, सेई बलराम संगे श्री नित्यानंद। और वही कृष्ण नवद्वीप में श्री चैतन्य चंद्र के रूप में भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार करने के लिए, पतितों पर अपना उद्धार करने के लिए पतित पावन श्री चैतन्य महाप्रभु अवतार लेते हैं, और उनके संगी स्वयं बलराम जी नवद्वीप में श्री नित्यानंद प्रभु के रूप में अवतार लेते हैं। सांगो पांगास्त्र पार्षदम, अपने पार्षदों में सबसे प्रमुख पार्षद श्री बलराम जी जो कि नित्यानंद प्रभु हैं, उनके साथ चैतन्य महाप्रभु कलयुग में सबसे दयालु और सबसे कृपालु अवतार बनकर उन्होंने हमें कृष्ण भक्ति प्रदान करी है। नित्यानंद प्रभु का जन्म एक चक्र धाम में हुआ। ये एक चक्र धाम एक चक्र इसलिए कहलाता है क्योंकि श्री गौरचंद्र चैतन्य महाप्रभु जो कि 5000 वर्ष पूर्व द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण स्वयं बनकर आए थे, उन्होंने भगवान कृष्ण ने ये प्रतिज्ञा ली थी कि वे कुरुक्षेत्र युद्ध में किसी भी प्रकार का शस्त्र नहीं उठाएंगे। लेकिन जब उन्होंने अर्जुन को बचाने के लिए भीष्म पितामह के सामने वो चक्र उठाया, भीष्म पितामह अपने आप को बहुत ही कृतार्थ महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं, और भगवान के गुणगान में उन्होंने प्रार्थनाएँ गाई। भीष्म पितामह की प्रार्थनाएँ सुनकर और उनसे प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण ने उस चक्र को वहाँ से फेंका और ये चक्र जा गिरा बांग्लादेश के इस जगह पर जो आज कहलाता है एक चक्र धाम। एक मतलब एक और चक्र मतलब व्हील, पहिया। तो इस स्थान पर एक चक्र धाम पर श्री नित्यानंद प्रभु ने अवतार लिया। भगवान के माता और भगवान के पिता वे स्वयं चुनकर आते हैं। मनुष्य इस संसार में स्वयं से अपने माता और पिता को नहीं चुन सकता, लेकिन शास्त्रों के अनुसार बताया गया है बलराम जी जब नित्यानंद प्रभु के रूप में कलयुग में चैतन्य लीला में आते हैं तो 1474 ईस्वी में एक चक्र ग्राम में उन्होंने हड़ाई ओझा और पद्मावती देवी के यहाँ पर पुत्र के रूप में जन्म लिया। हड़ाई ओझा जो कि स्वयं रामचंद्र जी के पिता दशरथ एवं स्वयं कृष्ण के पिता वसुदेव के कंबाइंड संयोग अवतार हैं, और वहीं पद्मावती जो कि रामचंद्र लीला में माँ लक्ष्मण जी की माता सुमित्रा हैं, और कृष्ण लीला में जो कि बलराम जी की मदर रेवती हैं, उनके कंबाइंड इनकारनेशन हैं, उनके कंबाइंड संयोग अवतार हैं पद्मावती देवी। इनके घर में नित्यानंद प्रभु ने अवतार लिया। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि भगवान कृष्ण और बलराम में कोई अंतर नहीं, नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु में कोई अंतर नहीं, लेकिन अंतर है तो इनके रंग में, अंतर है तो इनके भाव में, किस भाव में आते हैं। कृष्ण जो कि कहलाते हैं द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, सभी भगवानों के सर्वोच्च भगवान, जो अपने भगवत भाव में सभी से सेवा प्राप्त करते हैं। एकलह ईश्वर कृष्णा आर सब भृत्या। और वहीं भगवान को सेवा करने में जो सबसे एक्सपर्ट हैं वे स्वयं भगवान ही हैं जो अपना विस्तार करते हैं बलराम जी में, और जो बलराम जी हैं वे भी हैं द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, वे सुप्रीम भगवान जो भगवान कृष्ण को सेवा देने में सर्वोच्च हैं। यही बलराम साथ ही साथ कृष्ण के समान उतने ही शक्तिशाली, उतने ही ऐश्वर्यवान हैं, लेकिन उनका जो रंग है वह है श्वेत। तो श्री बलराम जो कि नित्यानंद प्रभु हैं चैतन्य लीला में भगवत प्रचार के लिए अवतार लिए, और उन्होंने जघाई और मधाई जैसे महान से महान पापियों को भी उद्धार करके उन्हें कृष्ण प्रेम से अवगत कराया। तो आइए नित्यानंद प्रभु के चरणों में हम प्रणाम करें और उनसे प्रार्थना करें कि वे हमें अपने चरणों में स्वीकार करें। श्री नित्यानंद प्रभु की जय।